नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवी अवतार द वेव ऑफ वाटर की, जो जमी से पानी का सफर करा रही है, और इसके 4K HD रिजोल्यूशन और विजुअल्स ने तबाही मचाई हुई है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है अवतार द वेव ऑफ वाटर। बता दें कि अवतार द वेव ऑफ वाटर फिल्म कुछ ही दिनों पहले भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की गई। यह एक ऐसी फिल्म है जो कि भारतीय पर्दों के साथ साथ विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म अवतार द वेव ऑफ वाटर, जो कि सन 2009 में आई अवतार की सिक्वल है। जी हां, अवतार ने 2009 में कई कीर्तिमान स्थापित किए थे तथा विश्व के अलग अलग कोनों में इसकी चर्चा हुई थी। ठीक 12 वर्षों के बाद उसका सिक्वल बनाया गया, जिसने फिर से सिनेमा जगत में एक आंधी सी ला दी है। जेम्स कैमरून ने साल 2022 खत्म होने से पहले दर्शकों को अवतार 2 जैसी बेहतरीन फिल्म का प्री क्रिसमस गिफ्ट दिया है। यह फिल्म रिलीज के 18 दिनों में ही 340.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2019 में रिलीज हुई अवेंजर्स एंड गेम को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। अवतार द वेव ऑफ वाटर ने इस साल हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, ऋषम 2 और कश्मीर फाइल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि जेम्स ने स्क्रिप्टिंग पूरी होने के बाद भी कई सालों तक इंतजार किया था, क्योंकि पर्दे पर वो प्रभाव पैदा करना चाहते थे। वैसा तकनीकी रूप से उस वक्त कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। अब फिल्म को दोबारा रिलीज करने के लिए भी जेम्स ने इसे तकनीकी तौर पर अपग्रेड किया है और इसके दृश्यों को मौजूदा दौर के हिसाब से बदला है। फिल्म की रिमॉन्स्टरिंग की गई है। अवतार इस बार 4K HD रिजोल्यूशन में दिखाई गई, यानी नई अवतार के दृश्य ज़्यादा पैने और साफ हैं। फिल्म की साउंड 9.1 है। इसकी तकनीक में 9 स्पीकर और एक सब बूफर को रखा जाता है, जिससे हॉल में गूंजने वाली आवाज़ अलग ही स्तर पर ले जाती है। बता दें कि फिल्म अवतार को निर्देशक द्वारा दी गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण अमेरिका के कुछ मूल निवासियों द्वारा रिलीज होने से रोका जा रहा था, परंतु कुछ बातचीत के बाद यह मामला शांत हो गया। अवतार की पहली फिल्म ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए थे, ठीक उसी प्रकार अवतार की सिक्वल भी वही कमाल कर रही है। यह फिल्म कुल 3 घंटे 12 मिनट की है। बता दें कि अवतार की दुनिया इस बार पानी के अंदर पहुंच गई है। जिस तरह अवतार 1 में कैमरून ने धरती पर एक अलग संसार की रचना की थी, उसी तरह अवतार द वेव ऑफ वाटर में पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया बसा दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।